हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर टॉपिक को। आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मर में होने वाले जितने भी तरह के लॉसेस हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट AE लेवल एग्जाम्स में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, रीड करिए इसको। द एडी करंट लॉस इन अ मैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। यहाँ पर एडी करंट लॉस के बारे में आपसे पूछा है, तो एडी करंट लॉस एक तरह का कोर में होने वाला लॉस है। दिस इज अ आयरन लॉस, राइट। यदि मैं आयरन लॉस या फिर इसी को हम कहते हैं कोर लॉस, इसकी बात करूं तो ये दो तरह का होता है। एक होगा हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होगा एडी करंट लॉस। दोनों ही जो लॉसेस होते हैं ये कोर में होंगे, ट्रांसफार्मर के कोर में होंगे, राइट। तो आपसे एडी करंट लॉस के बारे में पूछा है कि ये इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सो यहां पर हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। हिस्टेरेसिस लॉस को हम डिनोट करेंगे PH से, दिस इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट KH, उसके बाद BM टू द पावर X इनटू F, ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस। यहां पर X को हम बोलते हैं स्टीन मर्ज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.6, कभी कभी इसको हम 2 के अराउंड भी लेके चलते हैं। ओके, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 1.6, लेकिन यदि आपको नियर अबाउट में आंसर चाहिए तब आप इसको 2 एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये है हिस्टेरेसिस लॉस। और जो एडी करंट लॉस है PE, ये हो जाएगा KE BM स्क्वायर F स्क्वायर, ये है KE BM स्क्वायर F स्क्वायर। इसमें और भी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ द कोर है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, या फिर थिकनेस ऑफ लैमिनेशन को भी हम कंसिडर करते हैं, राइट। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप देखो कि जो एडी करंट पावर लॉस है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, BM स्क्वायर F स्क्वायर, राइट। दिस BM इज व्हाट, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ट्रांसफॉर्मर के कोर में होने वाला जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसका स्क्वायर एंड अप्लाइड फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। जिस फ्रिक्वेंसी का आपने सप्लाई लगाया है ट्रांसफॉर्मर में उस फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडी करंट लॉस, मतलब एडी करंट लॉस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए में ऐसा गिवन है, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा, 50 हर्ज ट्रांसफॉर्मर हैज इक्वल हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस एट रेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन। रेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन पे जो हिस्टेरेसिस लॉस है और जो एडी करंट लॉस है बोथ आर सेम। इफ द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 80% ऑफ द रेटेड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी इज मेड 40 हर्ज कंपेयर टू द रेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन, द कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज रिड्यूस्ड बाय व्हाट। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप यहां पर एज्यूम कर लो कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है और जो एडी करंट लॉस है बोथ आर इक्वल टू 100 वॉट। मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों सेम है, तो मैंने दोनों को इक्वल करके हमने एक वैल्यू ले लिया कि 100 वॉट ये लॉसेस हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या कहा है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज रिड्यूस हुआ है कहां तक, रिड्यूस टू 80% ऑफ द रेटेड वैल्यू। सो यदि रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज V, तो 80% हुआ है, इट मीन्स 0.8 V वोल्टेज रिड्यूस हुआ है, और रिड्यूस होके कहाँ तक गया है, वोल्टेज हुआ है 0.8 टाइम्स ऑफ V। ओके, अब फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हुआ है। स्टार्टिंग में जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 50 हर्ज, तो ये जो 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी है ये रिड्यूस हुई है, और रिड्यूस होके कहाँ तक गई है, 40 हर्ज तक। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का 40 हर्ट्ज तक जाना, इट मींस व्हाट, 0.8 टाइम्स ऑफ F, यानी कि ये भी 80% हो चुका है। जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 80% हुआ है, और जो वोल्टेज है वो भी 80% हुआ है। अब आप V बाय F रेशियो को आप देख लो, तो V बाय F रेशियो क्या हो जाएगा,
वी बाय एफ रेशियो इज कॉन्स्टेंट, राइट। स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर जो वी बाय एफ रेशियो स्टार्टिंग में रेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन में यदि वी बाय एफ का रेशियो ये है, वी बाय एफ है, तो दूसरे ही केस में ये भी हो जाएगा 0.8 V डिवाइडेड बाई 0.8 F, इट मीन्स ये भी वी बाय एफ के इक्वल होगा, यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है ये रह रहा है कॉन्स्टेंट। दिस रेशियो इज कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा, राइट। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टेरेसिस पावर लॉस है दिस इज इक्वल टू के एच बी एम टू द पावर एक्स इन टू एफ, ये होता है। जब आप वी बाय एफ को कॉन्स्टेंट रख रहे हो, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है ट्रांसफॉर्मर के कोर में वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ। जब V अपॉन F हमारा कांस्टेंट है तो B भी कांस्टेंट होगा, और जब B यहां पर कांस्टेंट होगा तो देखो B कांस्टेंट है, KH कांस्टेंट है, तो यहां से क्या कहोगे, जब ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो आप लिखोगे कि जो हिस्टेरेसिस पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्रीक्वेंसी के। अब इसी तरीके से हम एडी करंट लॉस को चेक कर लेते हैं। एडी करंट लॉस होगा के ई कॉन्स्टेंट बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब यहां पर के ई तो कांस्टेंट है और बी एम भी यहां पर कांस्टेंट हो चुका है बिकॉज वी बाय एफ रेशियो इज कांस्टेंट, तो ये दोनों ही जब कांस्टेंट होंगे तो एडी करंट पावर लॉस क्या हो जाएगा, पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ओके, अब आपको पी एच और पी ई को फाइंड आउट करना है फॉर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, जो आपने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके 40 हर्ट्ज किया है उस पर आपको पी एच और पी ई को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पी एच कितना हो जाएगा, पी एच है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जब 80% हो चुका है तो जो पी एच है वो भी कितना होगा, 80% हो जाएगा। स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग कंडीशन में पी एच कितना हमने एज्यूम किया था, 100 वॉट, तो 100 का 80% अब हो जाएगा, पी एच इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ 100 वॉट, इट मीन्स वॉट, दिस इज 80 वॉट। अब जो हिस्टेरेसिस पावर लॉस होगा वो होगा 80 वॉट। नाउ एडी करंट लॉस कितना होगा, पी इज इक्वल टू ये है एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी हुआ है 0.8 टाइम्स ऑफ एफ, यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी इज 0.8 टाइम्स ऑफ एफ, अब इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा एडी करंट लॉस, तो 0.8 f का स्क्वायर है ना, तो 0.8 f का स्क्वायर, इट मीन्स आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा 0.64 f स्क्वायर, राइट। यानी कि पहले जो एडी करंट लॉस था अब उसका 64% ही रहेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 0.64 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एडी करंट लॉस विच इज 100 वॉट, सो ये कितना हो गया, 64 वॉट। ओके, पहले टोटल आयरन लॉस या फिर टोटल कोर लॉस कितना था, हिस्टेरेसिस प्लस एडी, 100 प्लस 100, इट मीन्स 200 वॉट, पहले था 200 वॉट, अब कितना है, 80 वॉट प्लस 64 वॉट, यानी कि ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 वॉट। पहले था 200 वॉट, अब है 144 वॉट कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन, कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, 200 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 200, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 200, इनटू आप 100 कर दोगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28% ना, 28%। ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा, लास्ट में गिवन है 28%, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज पी एच एंड पी ई रेस्पेक्टिवली। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर हिस्टेरेसिस लॉस है पी एच, एडी करंट लॉस है पी ई। द परसेंटेज डिक्रीज इन पी एच एंड पी ई व्हेन द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन 160 वोल्ट 40 हर्ट्ज सप्लाई विल रेस्पेक्टिवली बी व्हाट। स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना था, स्टार्टिंग में वोल्टेज था 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज,
अब सेकेंड केस में क्या हुआ है, सेकेंड केस में वोल्टेज रिड्यूस हुआ है 160 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुआ है कितना, 40 हर्ज पर आ गया है, आ गया है 40 हर्ज पर रिड्यूस हो गया आ गया। कितना रिडक्शन हुआ है यदि आप इसकी बात करो कि न्यू वोल्टेज वी न्यू ये कितना हुआ है, वी न्यू हुआ है 160 वोल्ट यानी कि 80% ऑफ प्रीवियस वैल्यू, 200 का 80% होगा है ना 160, यानी कि आप इसको लिखोगे कि 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज, राइट, इट मींस 0.8 टाइम्स ऑफ वी, ये है न्यू वोल्टेज। अब न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले था 50 हर्ट्ज अब हो चुका है 40 हर्ट्ज, तो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 50 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, राइट, दिस इज 0.8 टाइम्स ऑफ एफ, ये है न्यू फ्रीक्वेंसी। यहां पर देखो जो सेकेंड केस में वोल्टेज है वो हो चुका है 80% और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हो चुका है 80%, जितना चेंज वोल्टेज में हुआ है उतना ही चेंज फ्रीक्वेंसी में हुआ है, तो जब दोनों में सेम तरह का चेंज हो तो V अपॉन F का रेशियो होगा कांस्टेंट, V अपॉन F रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको आप ऐसे भी समझ लो, इसको आप ऐसे देख लो, V अपॉन F रेशियो को आप ऐसे भी देख लो। यहां पर फर्स्ट केस में V अपॉन F कितना है, वोल्टेज है 200, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, V अपॉन F क्या हो जाएगा 4, राइट। दूसरे केस में देख लो वोल्टेज कितना है 160, फ्रीक्वेंसी कितना है 40, रेशियो क्या हो गया 4 है ना, तो जो V अपॉन F यहां पर है 4 वही V अपॉन F यहां भी है, बोथ आर इक्वल, राइट, इसलिए हम कह रहे हैं कि V अपॉन F का जो रेशियो है वो होगा कांस्टेंट। और जहां पर V अपॉन F का रेशियो कांस्टेंट हो इट मींस जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है या फिर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो होगा कांस्टेंट, और जब Bm की वैल्यू कांस्टेंट होगा तो यहां से आप एडी करंट लॉस और हिस्टेसिस लॉस को कैसे लिखोगे, हिस्टेसिस लॉस को आप लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एडी करंट लॉस को आप लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। देखो अब यहां पर फर्स्ट केस में ये था पीएच, फर्स्ट केस में हिस्टेसिस लॉस क्या था पीएच, सेकेंड केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जिस रेशियो से डिक्रीज हुआ है उसी रेशियो से हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज होगा, यानी कि अब जो हमारा pH 1 होगा दिस इज इक्वल टू व्हाट 80% ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस प्रीवियस केस का, राइट, तो ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ pH, ये होगा इतना होगा, ठीक है। उसके बाद एडी करंट लॉस क्या होगा PE1, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.8 F, इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा 0.64 F² यानी कि 64% हो चुका है, तो ये होगा 0.64 × PE, पहले जो एडी करंट लॉस था उसका 64% अब है एडी करंट लॉस। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि परसेंटेज डिक्रीज इन हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा, दोनों ही लॉसेस में आप अलग अलग बताओगे कि कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है। देखो हिस्टेरेसिस लॉस हो चुका है 80%, इट मींस डिक्रीमेंट कितना है 20% है ना, 20% डिक्रीमेंट होगा तभी तो ये 80% पहुंचेगा, 20% डिक्रीमेंट। एडी करंट लॉस हो चुका है 64%, इट मींस डिक्रीज कितना हुआ, इसमें डिक्रीमेंट हुआ है 36%, राइट, 36% इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 20% 36% यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पहले लिखा हुआ है, ओके ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर में जो कोर लॉस होगा उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। कोर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि आयरन लॉस ये जो है ये
फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, वी के प्रोपोर्शनल है क्या? ऑप्शन बी में गिवन है इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में क्या है, इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड ऑन द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज इनकरेक्ट। इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स इन द कोर, यहां देखो इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स इन द कोर, यानी कि पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। और जो फ्लक्स है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वोल्टेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए बोथ आर सेम। एक में कहा है कि यह वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है और दूसरे में कहा है फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इनडायरेक्ट रूप से ये ऑप्शन में भी आपसे यही कहा है कि ये भी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो क्या आयरन लॉस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है? आयरन लॉस दो पार्ट में ब्रेक होगा। हिस्टेसिस लॉस को हम ऐसे ले सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू के एच, हमने क्या बोला, बी एम टू दी पावर एक्स बोला, राइट, और एक्स की वैल्यू 1.6। हमने कहा कि इसको नियर अबाउट, अगर आपको नियर अबाउट आंसर चाहिए तो आप इसको 2 भी लिख सकते हो, बी एम स्क्वायर इन टू होगा ये एफ, राइट। अब यहां पर बी एम को आप वी बाय एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे कि 1 कॉन्स्टेंट के एच और ये वी अपॉन एफ का स्क्वायर इन टू एफ। यहां से आपको क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एच इन टू वॉट, वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा एफ। दिस इज हिस्टेसिस पावर लॉस। और एडी करंट लॉस क्या होगा, एडी करंट लॉस होता है के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहां पर बी एम को आप क्या पुट करोगे, बी एम को आप वी बाय एफ पुट करोगे, क्योंकि बी एम प्रोपोर्शनल है वी अपॉन एफ के। तो v by f का स्क्वायर f स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट के ई वॉट v स्क्वायर। अब यहां पर से f स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो के ई वी स्क्वायर ये। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल जो आयरन लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज हिस्टेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। इट मीन्स आप लिखोगे के एच वी स्क्वायर अपॉन एफ प्लस के ई वी स्क्वायर। यहां से आप वी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, है ना, वी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। तो आप लिखोगे कि कॉन्स्टेंट के एच डिवाइडेड बाई एफ प्लस कॉन्स्टेंट के ई। दिस इज वॉट, दिस इज टोटल आयरन लॉस या फिर टोटल कोर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर। अब आप देखोगे कि टोटल जो कोर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। अ 230 वोल्ट बाय 130 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टेक्स एन इनपुट ऑफ 350 वोल्ट एम्पियर एट नो लोड एट रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट, राइट। द कोर लॉस इज 110 वॉट, वॉट विल बी द मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ नो लोड करंट। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है उसको नो लोड पर रखा गया है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा ट्रांसफॉर्मर का कॉरेस्पॉन्डिंग टू नो लोड, इसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नो लोड सर्किट डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देखो यहां पर दिस इज आर सी और ये हो जाएगा जे एक्स फाइव। आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। इट मींस व्हाट, आई एम को फाइंड आउट करना है, आई एम यहां पर, दिस करंट इज आई सी और दिस करंट इज नो लोड करंट आई नॉट, राइट। अब इसने क्या कहा है कि इस ट्रांसफार्मर को नो लोड पे रखा गया है एट रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट। यहां पर रेटेड वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है, 230 वोल्ट, राइट। तो जब रेटेड वोल्टेज यहाँ पर 230 वोल्ट अप्लाई किया गया है और इनपुट के रूप में ये जो ट्रांसफार्मर है वो कितना कॉम्प्लेक्स पावर ले रहा है, 350 VA, राइट। तो S यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है वो क्या होता है, वो होता है वोल्टेज इनटू करंट, राइट। S है 350 VA इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज है 230 इनटू यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है, दिस करंट इज I नॉट,
तो यहां से हम आई नॉट को, आई नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 350 डिवाइडेड बाय 230 क्या हो जाएगा, 350 230, इट मींस 1.522 एम्पीयर। ये है नो लोड करंट, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा कोर में लॉस होता है 110 वॉट, ये लॉस सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर में होगा, राइट। तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि यहां पर एक रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर है, ठीक है, दिस रेसिस्टर इज आर सी, इस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है जो अप्लाइड वोल्टेज है, राइट, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक रेसिस्टर और एक इंडक्टर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों का वोल्टेज होगा सेम, और पैरेलली ये 230 वोल्ट के अक्रॉस है, इट मींस यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा 230 वोल्ट, राइट। अब जो आर सी है इसमें करंट कितना फ्लो करता है, दिस करंट इज आई सी। अगर आपसे कोई कहे कि ये सर्किट है इसमें आईसी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए और आपको ये बताया गया हो कि इसमें पावर लॉस होता है 110 वॉट, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पावर लॉस यानी कि वोल्टेज इनटू करंट आईसी इज इक्वल टू 110 ना, वी इनटू आईसी इज इक्वल टू व्हाट 110। तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, IC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 110, वोल्टेज पता है 230, IC को फाइंड आउट कर लो, IC इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 230, इट मींस व्हाट, दिस इज 0.478 एम्पीयर। ये है IC, आपके पास IC है, आपके पास I नॉट है, तो IM को फाइंड आउट करना है, IM को कैसे फाइंड आउट करोगे, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट IM इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ I नॉट का स्क्वायर माइनस IC का स्क्वायर, कैलकुलेट करिए, या फिर मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहां, ठीक है, देख लो IC दिस दिस स्क्वायर, उसके बाद I नॉट की वैल्यू है 1.522, इसका करना है स्क्वायर, माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू 2.0877 एंड रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1.445, दिस इज 1.445 एम्पीयर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए 1.4446 एम्पीयर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एट 50 हर्ज ऑपरेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ 200 वॉट, एडी करंट लॉस ऑफ 100 वॉट, पीएच 200 वॉट, एडी करंट लॉस 100 वॉट, ओके, और 50 हर्ज ऑपरेशन है, राइट, इफ सॉरी इट्स कोर लॉस एट 60 हर्ज ऑपरेशन कीप फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट विल बी व्हाट, यहां पर फ्लक्स डेंसिटी बीएम को कांस्टेंट रखने के लिए बोला है, तो जब आप फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट रखोगे तो जो हिस्टेरेसिस पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और जो एडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, राइट। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में 50 हर्ज था, उसको इंक्रीज किया गया है 60 हर्ज कर दिया गया है, राइट, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे क्या, 60 डिवाइडेड बाय 50 टाइम्स ऑफ एफ, राइट, तो इसके प्रोपोर्शन हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस, राइट, यानी कि जो अब हिस्टेरेसिस लॉस होगा न्यू, न्यू केस में वो क्या हो जाएगा, 6/5 टाइम्स ऑफ पी एच, जो ओल्ड वाला पी एच है उसका 6/5 टाइम्स, राइट, तो यहां से आप लिखोगे 6/5 इंटू हिस्टेरेसिस लॉस कितना है 200 वॉट, तो इसको कैलकुलेट करिएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 6, 240 वॉट, दिस इज 240 वॉट। अब देखो एडी करंट लॉस को हमें फाइंड आउट करना है, एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा,
पीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितना है 60 अपॉन 50 टाइम्स ऑफ एफ, इसका करना है स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीई न्यू इज इक्वल टू आप लिखोगे 6/5 का स्क्वायर, इट मीन्स 36/25 टाइम्स ऑफ एडी करंट लॉस ऑफ प्रीवियस वैल्यू यानी कि 100। तो इसको आप लिखोगे 36/25 इंटू वॉट 100, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 4 144 वॉट, दिस इज इक्वल टू 144 वॉट। आपको एडी करंट लॉस मिला है 144 और हिस्टेसिस लॉस आपको मिला है 240, ऐड कर दीजिए 384 वॉट, 384 वॉट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज एडी करंट लॉस ऑफ 50 वॉट इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहां पर स्टार्टिंग में वोल्टेज था 220, फ्रीक्वेंसी था 50। अब क्या किया गया है, जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करके किया गया है 330, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, देखो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग में वोल्टेज था 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज। अब इसको इंक्रीज करके, इसको चेंज करके 330 वोल्ट कर दिया गया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज पे। ओके, अब फर्स्ट केस में यहां पर जो एडी करंट लॉस है पीई इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू 50 वॉट, और आपसे सेकेंड केस में एडी करंट लॉस पूछा है कि ये कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर क्या है ना, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है लेकिन वोल्टेज चेंज हुआ है, और कितना से चेंज हुआ है, 220 से 330 हुआ है, इट मींस 1.5 टाइम्स, दिस इज 1.5 टाइम्स। ओके, सो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए एडी करंट लॉस इज इक्वल टू के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, राइट। अब यहां पर बी एम स्क्वायर को मैं चेंज करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं वी अपॉन एफ का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर और मल्टीप्लाई विथ एफ स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज स्क्वायर के, राइट, वोल्टेज स्क्वायर के। इसमें अगर आप फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, उससे कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आपने वोल्टेज को 1.5 टाइम्स किया है, तो जो एडी करंट लॉस है वो क्या होगा, 1.5 के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ से जो एडी करंट लॉस है वो क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ का स्क्वायर, दिस टाइम्स ऑफ वॉट, दिस टाइम्स ऑफ प्रीवियस एडी करंट लॉस विच इज 50 वॉट। तो कैलकुलेट कर लीजिए 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर दिस इज 2.25, इसको आप लिखोगे कि 2.25 टाइम्स ऑफ 50 वॉट, इट मीन्स वॉट 112.5, दिस इज इक्वल टू 112.5 वॉट, दिस इज एडी करंट लॉस 112.5, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2200 वोल्ट 40 हर्ट्ज सप्लाई, द कोर लॉस इज 800 वॉट, टोटल जो कोर लॉस है वो है 800 वॉट, आउट ऑफ 600 वॉट्स आर ड्यू टू हिस्टेसिस एंड द रिमेनिंग एडी करंट लॉसेस। इसमें क्या कहा है, कोर लॉस पीसी इज इक्वल टू वॉट 800 वॉट। अब इस 800 में 600 वॉट इज एडी करंट लॉस, नहीं हिस्टेसिस ना, दिस इज हिस्टेसिस, और जो रिमेनिंग 200 वॉट आएगा
दिस इज एडी करंट लॉस। ओके, अब फिर क्या कहा है, डिटरमिन द कोर लॉस इफ द सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर 3300 वोल्ट 60 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर देखो, स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना था, स्टार्टिंग में वोल्टेज था 2200 वोल्ट। अब वी न्यू ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 3300 वोल्ट। इट मीन्स व्हाट, इसका 1.5 टाइम्स हुआ है, वोल्टेज कितना हुआ है 1.5 टाइम्स। अब मैं यदि फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कितना था 40 हर्ट्ज, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी में चेंज, दिस इज ऑल्सो 1.5 टाइम्स। जितना चेंज वोल्टेज में हो रहा है उतना ही चेंज फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। इट मीन्स वी बाय एफ रेशियो इसका होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं केस लूंगा कांस्टेंट वी अपॉन एफ, कांस्टेंट वी अपॉन एफ रेशियो। इट मीन्स बी एम इज कांस्टेंट, और जब बी एम हमारा कांस्टेंट होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, एंड जो एडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है। राइट, अब देखो हिस्टेरेसिस लॉस न्यू ये कितना हो जाएगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितना हुआ है, फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस प्रीवियस केस का। इट मीन्स 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, प्रीवियस केस में कितना था 600 वॉट, तो 600 का 1.5 यानी कि 900 वॉट। ओके, अब एडी करंट लॉस को फाइंड आउट करो, पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स हुआ है, तो 1.5 का स्क्वायर 10 टाइम्स ऑफ एडी करंट लॉस। यहां पर पीई न्यू लिख दो, तो PE न्यू क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर, इट मीन्स 2.25 इनटू PE की वैल्यू कितनी है 200 वॉट। कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, 450, दिस इज इक्वल टू 450 वॉट। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिटरमिन द कोर लॉस, तो कोर लॉस में दोनों को आप ऐड कर दोगे, 900 प्लस 450 वॉट यानी कि 1350 वॉट, ऑप्शन सी 1350 वॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर 3200 वॉट 2000 वॉट रेस्पेक्टिवली, बोथ ऑफ लॉसेस एट हाफ लोड विल बी रेस्पेक्टिवली वॉट। यहां पर देखो, जो फुल लोड कॉपर लॉस है, पी सी यू एफ एल मैं इसको लिखता हूं, फुल लोड कॉपर लॉस वो कितना है, वो है 3200 वॉट, दिस इज फुल लोड कॉपर लॉस। उसके बाद जो यहां पर आयरन लॉस गिवन है, पी आई मैं इसको लिखता हूं, आयरन लॉस गिवन है 2000 वॉट। राइट, आयरन लॉस के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप नोट कर लो, कि जब ट्रांसफार्मर पे आप फुल लोड लगाओ या फिर हाफ लोड लगाओ, 1/4 लोड लगाओ, 2/4 लोड लगाओ, 3/4 लोड लगाओ, 1/7 लोड लगाओ, या फिर आप कोई भी लोड मत लगाओ, उसको नो लोड पे रखो, सारे ही केसेस में ट्रांसफार्मर में होने वाला जो आयरन लॉस होगा यानी कि कोर लॉस होगा वो होगा कॉन्स्टेंट, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लोड के साथ ये चेंज नहीं होता है, जो आयरन लॉस होगा ट्रांसफार्मर वो लोड के साथ चेंज नहीं होता है। हाँ, ट्रांसफार्मर सिर्फ ऑन होना चाहिए, ट्रांसफार्मर जब ऑफ होगा तो ऑफ के केस में फिर इसमें लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन आपने ट्रांसफार्मर को ऑन कर दिया है उसके बाद आप उसके ऊपर कोई लोड लगाओ या ना लगाओ, ट्रांसफार्मर में लॉस, आयरन लॉस तो होगा ही होगा। राइट, अब जो कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसफार्मर पे लोड कितना लगाया है। राइट, तो लोड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है कॉपर लॉस। राइट, लोड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, यहां पर आपने लोड को क्या किया है, हाफ कर दिया है, दिस इज हाफ लोड, आपने लोड को हाफ कर दिया है, तो जो कॉपर लॉस होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, हाफ के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा, हाफ का स्क्वायर मीन्स 1/4, है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉपर लॉस एट
वन बाय टू लोड, हाफ लोड, हाफ लोड पे जो कॉपर लॉस होगा ये क्या होगा, हाफ का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस पी सी यू एफ एल, ऐसे दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू पी सी यू एफ एल इज 3200, तो ये क्या हो जाएगा 800, है ना। कॉपर लॉस अब होगा 800 वॉट, लेकिन आयरन लॉस क्या होगा, आयरन लॉस तो इतना ही रहेगा, नो चेंज इन आयरन लॉस, राइट। सो ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ऑफ लॉसेस 800 वॉट एंड 2000 वॉट, यानी कि ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर हीटिंग मैग्नेटिक मटेरियल यूजिंग इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग से जो हम मैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं, आपने जनरली देखा होगा, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट क्या, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारा इंडक्शन हीटर, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं इंडक्शन हीटर, राइट। कुकिंग के पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी प्रिंसिपल वही यूज होता है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मर के कोर में होता है पावर लॉस, उसी तरीके से इंडक्शन हीटिंग में भी होता है पावर लॉस, राइट। अब इसमें जो पावर लॉस होता है उसी की वजह से तो वो जो भी हमारा पॉट होता है उसको वो हीट कर पाता है, राइट। वो हीट आता कहाँ से है, जो उसमें कोर लॉस होता है वहीं से वो हीट आता है, राइट। तो हीटिंग मैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हीट करने के लिए जो आप इंडक्शन हीटिंग यूज करोगे उसके बारे में गिवन है कि एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो इसमें भी सेम सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, राइट। एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यही है ना हमने बताया था। हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू के एच बी एम टू द पावर एक्स इंटू एफ, राइट। और एडी करंट लॉस इज इक्वल टू के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहां से देखो जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और जो एडी करंट लॉस है वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां पर मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, देखो यहां पर क्या होगा ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोर भी होगा, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसका जो वॉल्यूम होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरेसिस लॉस, और जो एडी करंट लॉस है ये भी वॉल्यूम के भी प्रोपोर्शनल होता है और ये थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शन होता है टी स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी इस फिलहाल क्वेश्चन के लिए देखो, जो एडी करंट लॉस है वो प्रोपोर्शन टू एफ स्क्वायर, हिस्टेरेसिस लॉस है प्रोपोर्शन टू एफ, तो एफ स्क्वायर एंड एफ, यानी कि ऑप्शन ए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ नो लोड करंट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आर आई सी इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, आई एम इज इक्वल टू 1.44 एम्पियर, इट्स नो लोड पावर फैक्टर एंगल विल बी व्हाट। देखो नो लोड करंट है ना, ओके यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, एक फेजर डायग्राम। दिस इज फ्लक्स एक्सिस एंड दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सिस, और जो नो लोड होता है, नो लोड करंट आई नॉट, इसको मैं यहां पर शो करूंगा, दिस करंट इज आई नॉट, राइट। अब जो ये हमारा आई नॉट है, आई नॉट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट हैं, आई नॉट के दो कंपोनेंट हैं, एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा, दिस कंपोनेंट इज व्हाट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट आई एम, और एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आई सी। दिस करंट इज व्हाट, दिस करंट इज आई सी, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। आपको आई सी की वैल्यू गिवन है, आपको आई एम की वैल्यू गिवन है, और पावर फैक्टर एंगल फाइंड आउट करना है एट नो लोड। तो
तो पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। वोल्टेज ये एक्सिस है और करंट आपका आई नॉट यहाँ है, इन दोनों के बीच का एंगल, राइट। यानी कि ये जो एंगल होगा दिस एंगल, ये जो एंगल है, यदि मैं इसको कहूँ कि दिस एंगल इज फाई नॉट, तो जो फाई नॉट है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसने बोला है दिस इज नो लोड पावर फैक्टर एंगल, राइट। नो लोड पीएफ एंगल इज इक्वल टू फाई नॉट, तो नो लोड पीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई नॉट, राइट, कॉस फाई नॉट। अच्छा, यहां पर देखो, यदि आप आई नॉट को आईसी के रूप में ब्रेक करोगे तो आप कैसे लिखोगे, आईसी को आप कैसे लिखोगे, आप आईसी को ऐसे लिख सकते हो क्या, आईसी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, ऐसे लिख सकते हो ना, आईसी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, राइट। तो यहां से तो आप, यहां से कॉस फाई नॉट तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई नॉट, आई सी अपॉन आई नॉट। और आई नॉट आपको नहीं पता है तो आई नॉट आप यहां से ऐसे फाइंड आउट कर लो, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ आई सी स्क्वायर और प्लस आई एम स्क्वायर, दोनों करंट के स्क्वायर का, दोनों करंट के स्क्वायर का एडिशन और फिर उसका रूट, ये हो जाएगा आई नॉट का मैग्नीट्यूड, राइट। सो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, आई सी की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर एंड आई एम की वैल्यू कितनी है 1.44, तो इसका स्क्वायर, ये दिस इज व्हाट, दिस इज आई नॉट। सो अब आप लिखोगे कि कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, आई सी, आई सी की वैल्यू कितनी है 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाय आई नॉट, आई नॉट को आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ 0.4 का स्क्वायर और प्लस 1.44 का स्क्वायर, ये व्हाट इज दिस, दिस इज नो लोड पावर फैक्टर। लेकिन आपसे पावर फैक्टर नहीं, आपसे पावर फैक्टर का एंगल पूछा है फाई नॉट, तो आप फाई नॉट को क्या लिखोगे, फाई नॉट को आप लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर प्लस 1.44 का स्क्वायर, इसका रूट, राइट, रूट, ये ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी में यहां पर माइनस है नहीं होगा, ऑप्शन सी में यहां पर प्लस है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड, ट्रांसफार्मर कोर को जो हम लैमिनेट करते हैं उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट सॉलिड कोर, नो, बिकॉज लैमिनेटेड कोर प्रोवाइड्स हाई फ्लक्स डेंसिटी, क्या ये रीजन है, नो, टू अवॉइड एडी करंट लॉस, बिल्कुल, टू अवॉइड एडी करंट लॉस हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर हम यूज करते हैं, ओके, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, थिन लैमिनेशन इसमें हम यूज करते हैं, राइट, 0.35 mm, इतना स्मॉल थिकनेस का, 10 mm थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, इसका लैमिनेशन हम यूज करते हैं, ओके, ठीक है, एडी करंट लॉस है। चलो यहां पर एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं, जो एडी करंट लॉस का कंप्लीट फॉर्मूला है पीई, इसको आप क्या लिखोगे, के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर एंड वी, व्हाट इज दिस, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी एम, इसका स्क्वायर है, व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, अप्लाइड जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका स्क्वायर है, यहां पर जो टी है, टी इज थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। अगर आपसे कोई ये कह दे कि जो ट्रांसफार्मर है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो उसका कोर है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा कोर हम लगा रहे हैं जिसका जो लैमिनेशन का जो थिकनेस है वो प्रीवियस केस का 2 टाइम्स है, थिकनेस को अगर आप 2 टाइम्स करते हो तो एडी करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, एडी करंट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। तो जब आप थिकनेस को इंक्रीज करोगे तो ध्यान रखना कि एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा,
है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर होना है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म ये जो है, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम ऑफ द कोर, ट्रांसफार्मर के कोर का वॉल्यूम, राइट। अगर आप एक ट्रांसफार्मर ऐसा रखो जिसका वॉल्यूम V है और एक दूसरा ट्रांसफार्मर ले लो जिसका वॉल्यूम है 2V, तो जिसका वॉल्यूम है 2V उसमें डबल एडी करंट लॉस होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्प्रेस्ड वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। वोल्टेज यहां पर रखना है कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, इंक्रीज किया है। वोल्टेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है। क्या पूछा है, कोर लॉस विल बी व्हाट? तो मैंने आपको बताया है कि कोर लॉस में दो तरह का लॉस होगा, एक होगा हिस्टेरेसिस लॉस, एक होगा हिस्टेरेसिस लॉस जो कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा होगा एडी करंट लॉस। वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, वेट वेट वेट, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे नहीं चलेंगे, वेट, के पीएच इज इक्वल टू के एच बीएम टू द पावर एक्स, या फिर मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं, या फिर एक्स ही रहने दो, एक्स एफ इतना है, और पीई क्या हो जाएगा, के ई बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के एच बी एम की जगह पर लिख सकते हैं वी अपॉन एफ, इसका करना है टू द पावर एक्स इनटू करना है फ्रीक्वेंसी एफ, राइट। दिस इज इक्वल टू के ई बी एम को करना है वी अपॉन एफ, इसका करेंगे स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी करेंगे स्क्वायर, राइट। सो जो ये है एडी करंट लॉस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेट वेट वेट, जो एडी करंट लॉस है पीई, ये क्या आया है, दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, दिस इज के ई वी स्क्वायर। यहां पर फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं आया है, और जब आप वोल्टेज को रखोगे कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को आप चाहे जो मर्जी इंक्रीज कर दो, वोल्टेज को आप रख रहे हो कांस्टेंट, इट मींस व्हाट, एडी करंट लॉस होगा कांस्टेंट, राइट। अब बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस की। हिस्टेरेसिस लॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि आप यहां पर x की जगह पर 2 रख दो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं कि के एच वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू एफ, राइट। यहां से f और f हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर बाय f हो जाएगा, दिस इज के एच वी स्क्वायर बाय f, ये है v स्क्वायर है कांस्टेंट, के एच है कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी को आपने किया है इंक्रीज। तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो जो हिस्टेरेसिस पावर लॉस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हिस्टेरेसिस पावर लॉस रिड्यूस हुआ है, बट एडी करंट लॉस हमारा कांस्टेंट है। तो जो ओवरऑल आयरन लॉस या फिर जो कोर लॉस होगा पीसी, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, इट्स कोर लॉस विल डिक्रीज, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अ कोर लॉस ऑफ सिंगल फेज 230 वोल्ट बाय 115 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर ट्रांसफार्मर इज मेजर फ्रॉम 230 वोल्ट साइड बाय फीडिंग द प्राइमरी 230 वोल्ट साइड। यहां पर प्राइमरी से सप्लाई दे रहा है 230 वोल्ट, राइट, फ्रॉम अ वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। वोल्टेज भी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, व्हाइल कीपिंग द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड। ओके, सेकेंडरी को ओपन सर्किट रख रहा है, इट मींस जो भी इसमें पावर लॉस होगा वो होगा कोर लॉस,
राइट, आयरन लॉस। द कोर लॉस इज मेजर टू बी 1050 वॉट फॉर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट। द कोर लॉस इज अगेन मेजर टू बी 500 वॉट फॉर 138 वोल्ट 30 हर्ट्ज इनपुट। द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या कहा है, फर्स्ट केस में, केस नंबर वन में देखते हैं पहले। केस नंबर वन में वोल्टेज अप्लाई किया गया है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी रखा गया है 50 हर्ज। इन दोनों को रखते हुए जो आयरन लॉस हुआ है, कोर लॉस, ये कितना है 1050 वॉट। यहां पर V अपॉन F रेशियो कितना है, 230 डिवाइडेड बाय 50, ये है V बाय F का रेशियो। अब हम सेकेंड केस में देखते हैं कि V बाय F का रेशियो सेम है या फिर नहीं है। केस नंबर टू, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 138 वोल्ट, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 हर्ज। यहां पर जो पावर लॉस है, आयरन लॉस, वो कितना है 500 वॉट। V बाय F इसका चेक कर लो, V बाय F है 138 डिवाइडेड बाय 30। देखो कि 230 बाय 50 और 138 बाय 30 क्या ये दोनों सेम है। 230 बाय 50 इट मींस 4.6, दिस इज इक्वल टू 4.6। अब इसको चेक कर लेते हैं, 138 बाय 30, दिस इज ऑल्सो 4.6, यानी कि जो V बाय F रेशियो है ये यहां पर कांस्टेंट रख रहा है दोनों ही केस में, राइट। तो जब V बाय F हमारा कांस्टेंट होता है तो आप हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे लिखते हो, PH, हिस्टेरेसिस लॉस को आप लिखते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, एंड एडी करंट लॉस को आप लिखते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, जब V बाय F हमारा कांस्टेंट होता है तब, राइट। अब यहां पर मैं एक कांस्टेंट लगा सकता हूं कि PH इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट A इनटू F, और यहां पर PE इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि एक दूसरा कांस्टेंट B और F स्क्वायर, राइट। सो जब मैं PH और PE को ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, आयरन लॉस मिलेगा, राइट। देखिए अब इतना चेक करने के बाद मैं यहां पर इसको रिमूव करना चाहता हूं। देखो V बाय F हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो टोटल जो आयरन लॉस होगा वो क्या होगा, वो होगा हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस हमने अभी लिखा है कि A इंटू F, और अभी हमने PE को लिखा है B इंटू F स्क्वायर, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज आयरन लॉस। अब देखो फर्स्ट केस में आयरन लॉस है 1050 वॉट इज इक्वल टू ए इंटू फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज, प्लस बी इंटू एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर कितना होगा, 50 का स्क्वायर, इट मींस 2500, राइट। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, 1050 इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2500 टाइम्स ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ओके। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, आयरन लॉस दूसरे केस में कितना गिवन है, 500 वॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट ए इनटू फ्रीक्वेंसी, दूसरे केस की फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ज, प्लस कांस्टेंट बी इनटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी है 30, इसका स्क्वायर 900। यानी कि आप इसको लिखोगे 500 इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ ए प्लस 900 टाइम्स ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर टू, इज इट ओके और नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन में यदि मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.6 से इक्वेशन नंबर वन में मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन नंबर टू को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं यहां पर लिखता हूं कि इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाई विथ 0.6 और माइनस इक्वेशन नंबर टू,
तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर वन में जब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1050 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 630 इज इक्वल टू, यहाँ पर 50A है, इसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30A प्लस 2500 इंटू 0.6 इट मीन्स 1500, दिस इज 1500 टाइम्स ऑफ बी। उसके बाद इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर टू को, इक्वेशन नंबर टू कैसा है, 500 इज इक्वल टू 30A और प्लस हो जाएगा 900B, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा कैंसल आउट, इधर हो जाएगा कितना 130 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा कितना 600B। सो बी की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, बी इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 600, बी की वैल्यू है 130 डिवाइडेड बाय 600। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है कि जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का जो इनपुट है उस इनपुट पर हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस कितना होगा। तो यहां पर यानी कि इक्वेशन नंबर वन की बात हो रही है, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन ये इसी में तो है, ये क्या है 50 50 टाइम्स ऑफ ए, ये क्या है हिस्टेरेसिस लॉस, और 2500 टाइम्स ऑफ बी, ये क्या है, ये है एडी करंट लॉस। तो यहां से बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट आपको पता है बी की वैल्यू, इसमें आप पुट कर लो, तो आप लिखोगे पीई एडी करंट लॉस इज इक्वल टू 2500 इंटू बी, बी की वैल्यू है 130 डिवाइडेड बाय 600। इट मीन्स 542 वॉट, दिस इज 542 वॉट, ये क्या आया है, दिस इज एडी करंट लॉस, यहां से हमें एडी करंट लॉस मिला है। आप चाहो तो इस बी की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी बी की वैल्यू को आप पुट कर लो, वहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही आपको ए की वैल्यू मिलेगी तो आप हिस्टेरेसिस लॉस को भी फाइंड आउट कर सकते हो 50 टाइम्स ऑफ ए करके। ओके खैर फिलहाल यहां पर अगर हमें एक वैल्यू मिल चुका है एडी करंट लॉस 542 वॉट, तो इसको देख के हम ऑप्शन को मार्क तो कर ही सकते हैं, एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा 542 वॉट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक तो ये मेथड है कि एडी करंट लॉस आपने फाइंड आउट किया, आपने मार्क कर दिया, राइट। दूसरा आपको हिस्टेरेसिस लॉस भी अगर फाइंड आउट करना है तो उसके दो मेथड है, या तो आप ए को फाइंड आउट कर लो, बी की वैल्यू आप इन दोनों में से कहीं भी पुट करो, वहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू जब आप मिल जाएगी तो 50 टाइम्स ऑफ ए करके हिस्टेरेसिस लॉस को फाइंड आउट कर लो, या फिर उससे भी शॉर्टकट जो आपके पास टोटल आयरन लॉस है 1050 दिस इज इक्वल टू व्हाट, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस, आपने एडी करंट लॉस फाइंड आउट कर लिया 542, तो हिस्टेरेसिस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए आपको ए की क्या नीड है, नो नीड। आप क्या करोगे, टोटल जो आयरन लॉस है उसमें आप 542 वॉट को सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि आप लिखोगे हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू 1050 माइनस 542 वॉट, दैट्स इट, 508 वॉट, राइट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज अप्लाई आर पी एच एंड पीई रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज डिक्रीज इन दीज व्हेन ऑपरेटेड ऑन अ 160 वोल्ट 40 हर्ट्ज अप्लाई आर व्हाट। क्या कह रहा है ये, वोल्टेज कितना है रेटेड जिसपे स्टार्टिंग में पी एच और पी को फाइंड आउट किया गया, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, 200 वोल्ट वोल्टेज था और फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज, इस पे हिस्टेरेसिस लॉस है पी एच और एडी करंट लॉस है पीई, वोल्टेज को रिड्यूस किया गया 160 और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया गया 40। देखो
200 से 160 इट मींस व्हाट, इसका 80% 0.8 टाइम्स वोल्टेज को 0.8 टाइम्स किया गया या फिर 80% किया गया है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी क्या किया गया है, इसको भी 80% ही किया गया है। तो जिस रेशियो से वोल्टेज को चेंज करते हैं उसी रेशियो से हमने फ्रीक्वेंसी को भी चेंज किया है, इट मींस वी बाय एफ का जो रेशियो है वो होगा कांस्टेंट। और जब वी बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट होता है तो वैसे केस में हिस्टेरेसिस लॉस को हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एडी करंट लॉस को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शन, राइट? ठीक है, अब यहां पर देखो हिस्टेरेसिस लॉस को हमें फाइंड आउट करना है, तो पी एच न्यू ये क्या हो जाएगा, जितना चेंज आपने किया फ्रीक्वेंसी में उतना ही चेंज होगा हिस्टेरेसिस लॉस में। फ्रीक्वेंसी को आपने क्या किया 0.8 बना दिया, 0.8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो हिस्टेरेसिस लॉस कितना होगा, ये भी हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ इनिशियल हिस्टेरेसिस लॉस, राइट? इट मींस व्हाट इज दिस, दिस इज 80% ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस। अब आप एडी करंट लॉस के बारे में कुछ सोचो, पीई न्यू, पीई न्यू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी आपने किया है 0.8, तो ये हो जाएगा कितना 0.8 स्क्वायर इनटू पीई, इट मींस व्हाट, दिस इज 0.64 पीई, दिस इज पीई न्यू। पीई न्यू कितना है, जो ओल्ड पीई था उसका 64%, तो इसने क्या पूछा है, डिक्रीमेंट ना, परसेंटेज डिक्रीज इन दीज, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना कितना होगा, हिस्टेरेसिस लॉस में जो डिक्रीज है ये है 20%, और एडी करंट लॉस में जो डिक्रीज है वो कितना होगा 36%। देख लीजिए हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, तो हिस्टेरेसिस में है 20%, एडी करंट में 36, 20 एंड 36 ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इफ कोर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट 7/8 फुल लोड इज 4900 वॉट, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस इन वॉट वुड बी व्हाट, फुल लोड कॉपर लॉस। यहां पर सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू PCUFL, ये है फुल लोड कॉपर लॉस, और जो हमारा फुल लोड कॉपर लॉस होता है वो लोड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यदि आप लोड को हाफ करोगे तो फुल लोड कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। यदि आप लोड को 1/4 कर देते हो तो कॉपर लॉस कितना होगा, 1/4 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहां पर लिखा है कि 7/8 टाइम्स ऑफ फुल लोड, तो एट 7/8 टाइम्स ऑफ फुल लोड, इस पे जो हमारा कॉपर लॉस होगा पीसीयू, ये क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस, राइट? अब ये जो कॉपर लॉस है ये इसने दिया है कि 4900, तो आप क्या करोगे 4900 वॉट इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64 इनटू PCUFL, दिस इज PCUFL फुल लोड कॉपर लॉस, और आपको फुल लोड कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हो जाएगा 4900 इनटू 64 और हम डिवाइड करेंगे 49 से, दिस इज इक्वल टू PCUFL, राइट? कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये इसके साथ 100 टाइम्स कैंसल आउट होगा, और फिर 64 इंटू 100 इट मींस व्हाट 6400 वॉट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड इज 2800 वॉट, एट अ हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी व्हाट, सिंपल है।
PCUFL फुल लोड पे कॉपर लॉस 2800 वॉट एट हाफ लोड। हाफ लोड पे PCU इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इनटू PCUFL, इट मीन्स 1/4 टाइम्स ऑफ 2800 क्या हो जाएगा, 700 वॉट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैव कोर लॉस व्हाट। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है उसका कंपैरिजन आपको बताना है एज कंपेयर टू कॉपर लॉस कितना होता है, उससे ज़्यादा होता है या फिर इक्वल होता है या फिर लेस होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। देखिए इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली हम उसको जो लोड लगाते हैं उसके ऊपर वो होता है नियर अबाउट 60-70%, राइट। और वहाँ पे उसी उसी 60-70% पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ओके यदि मैं कहूँ कि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है कि जो जो कॉपर लॉस है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर जो कॉपर लॉस है वो आयरन लॉस के इक्वल होता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट। मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, इतना होता है। अब जो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वो नियर अबाउट 70% पर ही होता है, राइट। क्योंकि कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो उसको हम 60-70% या फिर मैक्सिमम 75% इतने ही लोडिंग हम उसको देते हैं और वहीं पर हमें चाहिए होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहां से आप ये देख पाओगे कि 70% ऑफ फुल लोड पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है 70% ऑफ फुल लोड, और इसी लोड पर जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है, इट मींस इसी लोड पर जो कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस के इक्वल होगा। तो 70% पर जो कॉपर लॉस होगा वो कितना होगा, एट 70% ऑफ फुल लोड। फुल लोड के 70% पर जो कॉपर लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.7, यानी कि 70% 0.7 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ PCUFL, जो फुल लोड कॉपर लॉस है उसका 0.7 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। 0.7 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 0.49, सो 0.49 टाइम्स ऑफ PCUFL। जो फुल लोड पे कॉपर लॉस होगा उसका नियर अबाउट हाफ कॉपर लॉस यहाँ पर होता है PCU, 70% ऑफ फुल लोड पर, राइट। और ये जो 70% ऑफ फुल लोड पे जो कॉपर लॉस हो रहा है PCU, ये आयरन लॉस के इक्वल है क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें यहाँ चाहिए, राइट। और आयरन लॉस तो फिक्स होता है, आयरन लॉस लोड के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो आयरन लॉस है वो 0.49 टाइम्स ऑफ PCUFL के इक्वल है, यानी कि जो फुल लोड कॉपर लॉस है ना उसका नियर अबाउट हाफ जो वॉटेज होगा वो होगा आयरन लॉस। तो फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस में मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी, तो फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इसने इसने क्या लिखा है, कोर लॉस, यानी कि जो आयरन लॉस है यानी कि जो कोर लॉस है वो कम होता है एज कंपेयर टू फुल लोड कॉपर लॉस, तो कोर लॉस लेस देन फुल लोड कॉपर लॉस, लेस देन, राइट। ये मैंने एक रफ एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं कि हर केस में ही 50% होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने एक 70% लोड लिया है तब यहां पर नियर अबाउट 40% आया, सॉरी नियर अबाउट 50% आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19। द एडी करंट लॉस ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज पी। एडी करंट लॉस है यहाँ पर पी। द परसेंटेज डिक्रीज इन एडी करंट लॉस व्हेन ऑपरेटेड फ्रॉम 160 वोल्ट 40 हर्ट्ज सप्लाई वुड बी व्हाट, ठीक है। यहाँ देखिए
वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, एडी करंट लॉस। ओके, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं कि वी अपॉन एफ कांस्टेंट है या फिर नहीं है। वोल्टेज अप्लाई किया गया है 220, फ्रीक्वेंसी है 50। दूसरी बार वोल्टेज अप्लाई किया गया 160, फ्रीक्वेंसी है 40। इसको आप चेक कर लो, 220 कितना टाइम्स है? दिस इज 72.73%, 72.73%। इतना परसेंट वोल्टेज अब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कितना परसेंट है? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 80%। यानी कि जितना चेंज हम वोल्टेज में कर रहे हैं उतना चेंज फ्रीक्वेंसी में नहीं कर रहे हैं। दोनों में चेंज है, डिफरेंट। इट मींस वी बाय एफ रेशियो होगा डिफरेंट। ओके, और जब वी बाय एफ रेशियो यहां पर होगा डिफरेंट, फिर क्या करोगे? फिर आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एडी करंट लॉस का। एडी करंट लॉस इज इक्वल टू के ई कॉन्स्टेंट बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें ये क्या हो जाएगा? दिस इज के ई, बी एम को आप लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इन टू, यहाँ से है एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर इस एफ स्क्वायर के साथ घूमने चला गया, तो दिस इज इक्वल टू के ई वी स्क्वायर। वॉट इज दिस? दिस इज पी ई, राइट। आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है? 72.73%। तो एडी करंट लॉस कितना होगा? 72.73% का स्क्वायर उतना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं लिखूंगा कि पीई न्यू इज इक्वल टू 0.7273 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ पी। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दिस इज स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 52.9। दिस इज व्हाट? दिस इज 52.9 टाइम्स ऑफ, सॉरी 0. ना, वेट 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 वेट, मैं तो डायरेक्ट परसेंटेज में लिख रहा था। दिस इज 0.529 टाइम्स ऑफ पी, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 52.9% ऑफ पी। 52.9% ऑफ पी। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन सी में गिवन है 53%। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहता है? इन अ ट्रांसफॉर्मर वेरिएबल लॉसेस आर 600 वॉट, हिस्टेरेसिस लॉस 20 वॉट, आयरन लॉस 500 वॉट। वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट लॉसेस? एडी करंट लॉस का क्या वैल्यू होगा, ये आपसे पूछा है। तो एडी करंट लॉस होता क्या है? एडी करंट लॉस होता है जो टोटल आयरन लॉस होगा माइनस जो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होगा। ठीक है, आयरन लॉस इसमें कितना गिवन है? 500 वॉट, माइनस हिस्टेरेसिस लॉस कितना गिवन है? 20 वॉट। तो एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा? 480 वॉट। सिंपल है, 480 वॉट। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 480 वॉट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो यहां पर जो वेरिएबल लॉस है, तो वेरिएबल लॉस इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं हम? कॉपर लॉस को बोलते हैं। ओके, और जो हमारा आयरन लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द एडी करंट लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर विल बी रिड्यूस्ड। एडी करंट लॉस हमारा कम हो जाएगा। कब कम होगा? इफ द लैमिनेशंस आर थिक। लैमिनेशन जब थिक होगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि पीई होता है वन कॉन्स्टेंट के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो थिकनेस के स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर आप लैमिनेशंस को थिक बनाओगे, लैमिनेशन का जो थिकनेस है वो होगा ज्यादा होगा, तो एडी करंट लॉस हमारा ज्यादा होगा, वो कम नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज रिड्यूस, नो रिलेशन। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज रिड्यूस, नो रिलेशन।
लैमिनेशंस आर थिन, यहां पर देखो द लैमिनेशंस आर थिन, लैमिनेशन जब हमारा थिन होगा यानी कि थिकनेस ऑफ लैमिनेशन हो जाएगा कम, तो जब टी हो जाएगा कम तो एडी करंट लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा, एडी करंट लॉस विल बी रिड्यूस्ड, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इफ फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज इन अ ट्रांसफॉर्मर, द रेशियो ऑफ एडी करंट लॉस एट 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज इज वॉट, वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रख रहा है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज पर एडी करंट लॉस 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज पे कितना होगा ये आप देख लो, एडी करंट लॉस पीई के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर के वी बाय एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर के वी स्क्वायर वी स्क्वायर, दिस इज वॉट पी के ई वी स्क्वायर। अब इसने क्या कहा है, क्या कहा है इसने, फ्रीक्वेंसी इज चेंज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। ओके 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज इसने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, राइट, द रेशियो ऑफ एडी करंट लॉस एट 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज, राइट, कांस्टेंट वोल्टेज यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लो, कांस्टेंट बी कर दो, फ्लक्स डेंसिटी, राइट, कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, राइट, बी को यहां पर आप कांस्टेंट कर लो, तो जब आप बी को कांस्टेंट करोगे तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, राइट। तो यदि मैं फर्स्ट केस में बात करूं, पीई वन डिवाइडेड बाय PE2 रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड केस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, 25 डिवाइडेड बाय 36, रेशियो कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाय 36, ये इसका रेशियो होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एन ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स एंड कीपिंग वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट टू सेपरेट इट्स एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस, द वेरिएशन ऑफ कोर लॉस बाय फ्रीक्वेंसी एज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज शोन इन द फिगर, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एट 25 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली आर वॉट, 25 हर्ट्ज पे आपको सेपरेट करना है एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को। ठीक है यहां देखो फिगर में, दिस इज 25 हर्ट्ज, अब ये है 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर पीसी बाय एफ है, दिस इज कोर लॉस बाय फ्रीक्वेंसी, है ना, कोर लॉस बाय फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू कितनी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25 हर्ज, इसकी वैल्यू यहां देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट ये कितना हो जाएगा, 10 और 15 के बीच में है, इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 12.5, राइट, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि एट एफ इज इक्वल टू 25 हर्ज, 25 हर्ज पर जो कोर लॉस है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये है 12.5, तो कोर लॉस कितना हो जाएगा, कोर लॉस हो जाएगा 12.5 इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 हर्ट्ज, तो पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5 इनटू 25, यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं पीसी की वैल्यू को, 12.5 इनटू 25 इट मींस ये हो जाएगा 312.5, वॉट इज दिस, दिस इज कोर लॉस, कोर लॉस की वैल्यू आपको कहां पर मिली है, एट 25 हर्ट्ज, एक फ्रीक्वेंसी पे कोर लॉस आपको मिल गया है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी आप यहां देखो, फ्रीक्वेंसी यहां गिवन है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर जो वैल्यू है वो कितना है, 15,
राइट। तो अब आप लिखोगे, एट एफ इज इक्वल टू 50 हर्ज़, 50 हर्ज़ फ्रिक्वेंसी पर, यहां पर पी सी अपॉन एफ इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। सो यहां से आप लिखोगे कि पी सी इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ, राइट। इट मीन्स 15 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ की वैल्यू कितनी है, 50 हर्ज़। तो ये कितना हो जाएगा, 750 वॉट, है ना। दिस इज पी सी। ओके, अब आपको टोटल कोर लॉस दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर मिल चुका है, और इसने ये भी कहा है कि कीपिंग वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट, तो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस को सेपरेट करना है। तो देखिए कैसे करोगे आप, यहां पर एट कांस्टेंट वी बाय एफ रेशियो, इसके केस में मैंने आपको बताया कि जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, एंड जो एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, राइट। यहां से आप लिख सकते हो कि पी एस इज इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट ए को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो मैं यहां पर लिखूंगा एफ इन टू कॉन्स्टेंट ए। सिमिलरली जो एडी करंट लॉस है इसको मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इन टू एनदर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा बी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। सो यहां से आप लिखोगे टोटल जो कोर लॉस होगा पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इन टू ए प्लस हो जाएगा एफ स्क्वायर इन टू बी, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको पी सी की कितनी वैल्यू मिली है, फर्स्ट केस में है 312.5, तो आप लिखोगे 312.5 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 हर्ज, इन टू ए प्लस 25 का स्क्वायर, इट मीन्स 625 इन टू बी। ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब सेकेंड केस में पीसी की वैल्यू कितनी है, 50 हर्ज पर, 50 हर्ज पर पीसी की वैल्यू है 750, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज 750 इज इक्वल टू 50 हर्ज इन टू ए प्लस 50 का स्क्वायर, इट मीन्स 2500 इन टू बी, ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यदि मैं इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई कर दूं, टू से मल्टीप्लाई करके मैं इक्वेशन नंबर टू में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, सो ये हो जाएगा 312.5 इंटू टू, इट मीन्स 625, दिस इज 625 इज इक्वल टू 50 ए और प्लस हो जाएगा 625 इंटू टू, इट मीन्स 1050, दिस इज 1050 बी, राइट। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करिए, कैंसल आउट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 1250 टाइम्स ऑफ बी, इट मीन्स यहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 0.1, ठीक है। बी की वैल्यू आपको मिल गई 0.1। आपको क्या करना है, आपको एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को फाइंड आउट करना है, तो कर लीजिए। किस फ्रीक्वेंसी पर, एट 25 हर्ज, 25 हर्ज पे यहां पर टोटल जो कोर लॉस है वो गिवन है 312.5, तो यहां से आप लिखोगे कि बी की वैल्यू जब आप पुट करोगे इसमें इक्वेशन नंबर वन में ना, हाँ इसमें आपको पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस, यहां से देखो एडी करंट लॉस पीई हो जाएगा बी इंटू एफ स्क्वायर, यानी कि 625 इंटू 0.1, बी की वैल्यू है 0.1, ये हो जाएगा 62.5 वॉट। 62.5 वॉट जो है वो है एडी करंट लॉस, राइट। अब हिस्टेरेसिस लॉस फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, टोटल जो कोर लॉस है उसमें हम एडी करंट लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल कोर लॉस क्या है, 312.5, इसमें हम माइनस कर देंगे 62.5, 312.5 माइनस 62.5, 250, व्हाट इज दिस, इज 250 वॉट। देखिए हिस्टेरेसिस 250, एडी करंट 62.5,
इट मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. देखिए, इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर डबल्ड, इट्स आयरन लॉस विल बी व्हाट. यहां पर देखो, एक ट्रांसफॉर्मर के जो डायमेंशंस हैं, उसका जो कोर का डायमेंशन है, उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है. तो यहां पर आयरन लॉस पूछता है कि आयरन लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा. देखो, मैं यहां पर कोर को डिजाइन करता हूं, कोर हमारा कुछ ऐसा होगा. अगर मैं रेक्टेंगुलर कोर बनाओ तो ये ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके का यहां होगा कोर, लाइक दिस. कोर का मैंने एक लिंब बनाया है. अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें है लेंथ, राइट, ये तो एक लिंब का लेंथ है, राइट. एक कंप्लीट कोर जब बनाओगे तो उसका लेंथ आप एज्यूम कर लो. उसके बाद व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, एल बी एच, ये तीनों हैं, ठीक है. तो इसने कहा है कि इसके जो डायमेंशंस हैं उसको डबल कर दिया गया है, यानी कि जहां पर एल था इसको कर दिया गया है 2L, जो बी था इसको कर दिया गया है 2B, और जो हाइट एच था उसको कर दिया गया है 2H, राइट. तो आयरन लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो पहले कोर का वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ द कोर वी इज इक्वल टू एल बी एच. अब डायमेंशन को चेंज करने पर वॉल्यूम कितना हो गया, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 2L इंटू 2B इंटू 2H, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ एल बी एच, राइट. यानी कि आप लिख सकते हो, इसको मैं V1 कह दूं, वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम V, राइट. पहले वॉल्यूम था V, अब वॉल्यूम कितना है, 8 टाइम्स ऑफ V, ठीक है, ये है. यानी कि आपने वॉल्यूम को 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है. डायमेंशन को डबल करने का मतलब है कि वॉल्यूम को आपने 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है. तो आयरन लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, आयरन लॉस मीन्स व्हाट, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस. तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, दिस इज इक्वल टू के एच बीएम टू द पावर एक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू व्हाट, इनटू वॉल्यूम. और एडी करंट लॉस क्या होगा, एडी करंट लॉस के ई बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इनटू वॉल्यूम. यहां पर देखो, दोनों ही हिस्टेरेसिस लॉस भी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एडी करंट लॉस भी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वॉल्यूम 8 टाइम्स हुआ है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी हो जाएगा 8 टाइम्स, राइट. यानी कि मैं यहां से लिखूंगा कि पी एच 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ पी एच. इसी तरीके से जो एडी करंट लॉस है, पीई 1 यदि मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ पीई, राइट. टोटल जो यहां पर कोर लॉस या फिर टोटल आयरन लॉस होगा पीआई, वो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ पीएच और प्लस 8 टाइम्स ऑफ पीई. यहां पर मैं 8 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा पीएच प्लस पीई, और जो पीएच प्लस पीई है वो क्या है, वो है प्रीवियस केस का आयरन लॉस. तो न्यू केस में आयरन लॉस क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स, यानी कि लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ओके. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैविंग इक्वल हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस एट रेटेड एक्साइटेशन, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस इक्वल हैं एट रेटेड एक्साइटेशन, इज ऑपरेटेड एट 45 हर्ट्ज एट 90% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज. फ्रीक्वेंसी रेटेड कितनी है, 50 हर्ट्ज. ऑपरेट कहाँ किया जा रहा है, 45 पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना हुआ है, 50 से 45, इट मींस 50 का 90%. और वोल्टेज में चेंज क्या है, रेटेड का वोल्टेज में कितना चेंज है, 90%. कंपेयर टू द रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन शैल बी व्हाट. यहां पर वोल्टेज डिक्रीज हुआ है
और डिक्रीज होके 90% हो चुका है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होके 90% हो चुका है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि वी बाय एफ रेशियो है, रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, रेशियो इज कांस्टेंट, और जब रेशियो होता है कांस्टेंट, वी बाय एफ का रेशियो जब कांस्टेंट होता है तो एडी करंट लॉस को हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड सॉरी हिस्टेरेसिस लॉस को ऐसा लिखते हैं, और जो एडी करंट लॉस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब देखो हिस्टेरेसिस लॉस न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हुआ है 90%, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.9 टर्म्स ऑफ प्रीवियस केस हिस्टेरेसिस लॉस, राइट। एंड एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, पीई न्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर, इट मींस 0.9 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ पीई, तो ये क्या हो जाएगा 0.81 टाइम्स ऑफ पीई, ठीक है, ये हो गया। अब स्टार्टिंग में आपको कहा है कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है और एडी करंट लॉस है बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं ना, पीएच और पीई को एज्यूम कर लेता हूं, यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं पीएच और पीई बोथ आर इक्वल टू 100 वॉट, राइट। तो न्यू केस में पीएच कितना होगा, पीएच न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू पीएच, यानी कि 0.9 इंटू 100, इट मींस ये हो जाएगा कितना 90 वॉट, और पीई न्यू कितना हो जाएगा, पीई न्यू हो जाएगा 0.81 टाइम्स ऑफ पीई विच इज इक्वल टू 0.81 इंटू 100, इट मींस ये हो जाएगा 81 वॉट। टोटल कोर लॉस कितना होगा, पीसी इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, यानी कि 90 प्लस 81, ये हो जाएगा कितना 171 ना, 171 वॉट, ये 171 वॉट। अब इसने पूछा है कि जो कोर लॉस है वो कितने से रिड्यूस हुआ है, उसमें चेंज क्या है, पहले कोर लॉस कितना था, पीसी इज इक्वल टू पीएच प्लस पीई, यानी कि 200 वॉट, पहले था 200 वॉट, अब कितना हो गया 171 वॉट, तो परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा, परसेंटेज रिडक्शन 200 माइनस 171 डिवाइडेड बाय 200, ओके दिस इज इक्वल टू 29 ना, 29 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 29 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 14.5%, 14.5% का रिडक्शन होगा कोर लॉस में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 14.5, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।